हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो मैं अभी थोड़ा सा व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है तो मैंने सोचा कि चलो आज मॉर्निंग से ही रूटीन स्टार्ट कर देते हैं। तो सुबह का टाइम है, मैं सबसे पहले चाय बना रही हूँ अपने लिए। हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस, चाय नाश्ता करके टिफिन वगैरह सब लेके, और यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय एक कप। निशु अभी सो रहा है तो मैंने सोचा कि चलो अपना आज का जल्दी जल्दी सारा काम निपटा दूँ, क्योंकि कल पूरे दिन जो है साफ़ सफाई में मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। इतना ज़्यादा मलबा कचरा सब निकाला था, और हस्बैंड के कपड़े भी धुले हैं। एक पैंट उनकी ऐसी है जो कि मशीन में धुलती ही नहीं है, तो उसे जो है मुझे हाथ से धोना पड़ता है और बहुत मशक्क़त लगती है। तो चाय मेरी बन गई है, चाय मैंने रख दिया है थोड़ा ठंडा होने के लिए, जब तक मैं ब्रश करूँगी और अपना फेस वॉश करूँगी। ये लिपस्टिक ना रात को मैं बर्थडे पार्टी में गई थी और थक के आई थी और सो गई थी, मैंने बिल्कुल भी अपना मेकअप रिमूव नहीं किया था। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और चाय मेरी बन गई है, और घर के जो झाड़ू पोछा था वो मैंने पहले ही कर लिया था, वो मैंने शेयर नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ। मैं लेट नहीं होना चाहती थी क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा काम है। कल मैं पूरा दिन साफ़ सफाई में, घर इतना ज़्यादा फैल गया था, एक रूम नहीं, दो रूम नहीं, चारों रूम इतना ज़्यादा फैल गया था कि जिसे मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था। हालांकि हस्बैंड थे तो थोड़ा सा सपोर्ट हो गया था, और इस वजह से मैंने सब कुछ बहुत ही आसानी से कर लिया है। और मुझे अपने जो है कान की इयररिंग्स भी चेंज करनी है, बार बार खुल जाती है तो बहुत बेकार लगती है। इस तरीके की मुझे रिंग लेके आनी है, और हस्बैंड शाम को आएंगे ना तो मैं आज शाम को ही उनको लेके जाऊंगी। और मेरे पास गोल्ड की जो है कानों की बाली पड़ी हुई है, तो उसको बदल के ना मैं ये वाले कानों के लिए छोटी छोटी बालियाँ लेकर आऊँगी। तो आप लोग क्या कहते हो मुझे बताना ज़रूर। तो यहाँ पर मैं वाव के जो फेस वॉश है तो इससे मैं अपना फेस वॉश कर रही हूँ, और ये बहुत ही अच्छा है। ये लिपस्टिक को ना बहुत ही आसानी से छुड़ा देता है, और देख सकते हैं पूरा मैं बंदर बन गई हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे बंदरिया कोई होती है ना, बिल्कुल वैसे पूरा मुंह मेरा रेड रेड हो गया था लिपस्टिक से। ये लिपस्टिक इतना ज़्यादा चिपकू लिपस्टिक है ना, एक बार आपने अगर अपने लिप्स पे लगा लिया ना, अप्लाई कर लिया, उसके बाद आप इसको कैसे भी छुड़ाओ छूटता नहीं है, लेकिन किसी भी ऑयल से छुड़ाओ ना तो जल्दी छूट जाता है। तो मैं वाव का फेस वॉश ही यूज़ करती हूँ, और अपने फेस पे कुछ भी यूज़ नहीं करती, कोई भी साबुन नहीं, कोई भी क्रीम नहीं, कुछ भी नहीं, और सिर्फ ओलिविया का पेन स्टिक से अपना मेकअप करती हूँ। तो मुझे यही दो चीज़ बेस्ट लगता है, और कुछ भी नहीं अपने फेस पे यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरा फेस जो है ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कोई भी दाने नहीं, कुछ भी ऐसा मेरे फेस पे, या फिर मैं कोई भी स्किन केयर नहीं करती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ अपना कोई स्किन केयर शेयर करूँ। मुझे बेस्ट लगता है यही कुछ चीज़ें। तो चाय पी लिया है मैंने, उसके बाद मैं यहाँ पे हस्बैंड के कपड़े भिंगो के रखे थे, ये पैंट है, और निशान इसमें इतना गंदा वाला पड़ा था ना कि मैं क्या ही बोलूँ। छुड़ाते 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 मेरी हाथ की जो पसलियाँ होती है ना वो तक दुखने लग गई थी, जल्दी छूट ही नहीं रहा था। मैं यहाँ पे हाँफने भी लग गई थी थक थक के, जैसे पैंट छुड़ा रही थी, सारे कपड़े धुल जाते हैं, लेकिन एक दो पैंट है जो कि नहीं धुलते हैं, उसको मुझे हाथ से ही धोने पड़ते हैं। हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो मैं अभी थोड़ा सा आटा लगा के रख लेती हूँ, और एक तरफ रखूँगी मैं अंडे उबालने के लिए शाम को, और बहुत सारे छोले और पनीर की सब्जी आई हुई है, क्योंकि हमारे पड़ोस में था बर्थडे, छोटी सी बच्ची का बर्थडे था, तो अभी मैं इतना आटा सानने वाली हूँ, कम करूँगी, बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि आजकल ना कोई सही से खाना खा ही नहीं रहा है। तो एक तरफ मैं चावल बना रही हूँ, दूसरी तरफ जो है मैं रोटी बनाऊँगी। तो ज़्यादा आटा नहीं, थोड़ा सा आटा लगा लेती हूँ मैं फटाफट, तो रोटियाँ बना देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे बेटे को रोटियाँ ही पसंद आएगी। तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे बन रही है चावल, और चावल ऑलमोस्ट हो गया है, छोले इतने सारे छोले आ गए ना, और ये चिकन है, नहीं सॉरी, ये छोले ही है। तो छोले तो अभी नहीं खाऊंगी, छोले शाम को खाऊंगी, मैं इसको रख के आती हूँ। तो छोले तो नहीं खाऊंगी, चिकन खाऊंगी, और यहाँ पे मैंने काटा है खीरा थोड़ा सा, और फटाफट मैं रोटियों की तैयारी कर लेती हूँ। हाँ बेटा, एक्चुअली मेरे को चिकन के साथ ना चावल ज्यादा पसंद आता है, तो मैं इसलिए चावल बना रही। कुछ नहीं बेटा,
कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं बेटा, नहीं कुछ तो, कुछ नहीं बेटा, नहीं कुछ तो। तो कल बहुत सारे नहीं, कल मेरे पास एक कमेंट आया था, मैडम भूत कहाँ गया। तो एक बार आइए, एक्सपीरियंस करिए, आपको पता पड़ जाएगी भूत कहाँ गया। एक्चुअल में होता क्या है ना, जब आप कोई चीज़ किसी से शेयर करते हो, जब कहते हो ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी बातों का हर कोई जो है आपकी बातों पे यकीन करे। जब तक उसके साथ एक्चुअल में घटना नहीं घटती है, जब मैं हस्बैंड को बार बार ये चीज़ बोलती थी ना, तो वो मेरी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते थे, मजाक उड़ाते थे। अब उनको शायद पता चल गया है कि दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है, क्योंकि ऐसी घटनाएं जब भी होती है जब आपके घर में कोई निगेटिविटी हो, और घर में निगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं है, ये पूरी बिल्डिंग में निगेटिविटी है। क्योंकि मैंने बताया था कि ये घर जो बना है ना, एक कुएं के ऊपर बना है और ज़बरदस्ती बनवाया गया है। जब ये घर बन रहा था ना, उसी समय ये बिल्डिंग जब बननी स्टार्ट हुई थी ना, उसी समय इस बिल्डिंग को सील कर दिया गया था। 4 साल सील रही थी ये बिल्डिंग, और उसके बाद जो है ये बिल्डिंग दोबारा बननी स्टार्ट हुई है। कई बार ये बिल्डिंग बनने की कोशिश हो रही थी, लेकिन ये बिल्डिंग बन नहीं पा रही थी। और यहाँ के आसपास के लोगों ने बताया है, और इसका जो सील का वो है ना प्रूफ है, वो गूगल पे भी है कि ये बिल्डिंग सील्ड बिल्डिंग है। तो इसको कैसे बनवाया है, कैसे नहीं बनवाया है, मतलब किस तरीके से अप्रूव किया है, मुझे नहीं पता, लेकिन इस बिल्डिंग में टोटली फ्रॉड है। और गाइस, जब आपका कहीं पे ना पैसा लगा होता है, इन्वेस्टमेंट होता है ना, तो आप उस चीज़ से भाग नहीं सकते हो। मैं भी बहुत भागने की कोशिश कर रही थी, मैं भी बहुत डर गई थी। और जब आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती है ना, तो इंसान के दिल में ना डर क्या बहुत ज़्यादा दहशत बैठ जाती है। मैं हूँ, चाहे आप हो, कोई भी हो, दहशत तो किसी के भी दिल में बैठ जाएगी। जो चीज़ें मैं फेस कर रही हूँ ना, अगर आप जैसे लोगों के साथ हो ना, तो आप जैसे लोग तो भागते फिरोगे, ठीक है। आप सोचो कि मेरे अंदर कितनी हिम्मत है कि मैं इन सब चीज़ों से लड़ रही हूँ, ठीक है। किसी के आप सबको पता है कि जहाँ पे मेरा बेड था वो ही मेरी प्रॉपर जगह है, मैं उसी बेड पे हमेशा रहती थी, मैं वहीं लेटी रहती थी जहाँ पे वो पूरी छत गिरी है। सोचिए, अगर निगेटिविटी नहीं होती तो नया बिल्डिंग अभी बन रहा है तो छत कैसे गिर जाती। सारी जो गलती है ना बिल्डर की है और हमारी नहीं है। कल मेरे हस्बैंड बेडरूम में सो रहे थे जिसमें एसी लगा हुआ है, कल जब उनके ऊपर वो चीज़ हावी हुई है ना, तब जब वो भाग के बेड पर आए हैं ना, तब उनको पता चला। वो ज़मीन में सो रहे थे, मैं और निशु बेड पे सो रहे थे। जब अभी तक तो मेरे साथ सारी चीज़ें हो रही थी, जब कल उनके साथ हुई है ना, तब वो भाग के आए हैं। और सुबह उन्होंने मॉर्निंग में बताया कि हाँ, तू सही कह रही थी, तू गलत नहीं है। क्योंकि अक्सर जब मैं कोई चीज़ कहती हूँ ना, तो मेरी बातों पे कोई यकीन नहीं करता। बाद में मेरे हस्बैंड को रियलाइज़ हो ही जाता है, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, और उनको हमेशा मैं रियलाइज़ करवा ही देती हूँ कि हाँ, जो चीज़ मैं कह रही हूँ वो सही है। अगर वो स्टार्टिंग से ही मेरी बात मान जाते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें होने से बच जाती। लेकिन वही कहते हैं ना कि जो लोग अपने औरत की बात नहीं सुनते, वो बाद में पछताते ही हैं। तो इसलिए अपने फैमिली की बात सुननी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत टाइम से कह रही हूँ कि कुछ तो निगेटिविटी है, कुछ तो गलत है। मैंने उनको बताया कि यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि कुएं के ऊपर घर बना है, कुआं बहुत खतरनाक था, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। भूत तो जी देखो कहीं नहीं गया, भूत यही है। लेकिन जब आपका पैसा लगा होता है ना, तो आपको उस चीज़ से लड़ना होता है, क्योंकि हम पंडित के पास गए, हमने उसका जो है तोड़ निकाला हुआ है। तो सबसे बड़ी बात है कि गैस जो है मेरा पैसा फंसा हुआ है, और मेरी मेहनत की कमाई है। कोई ऐसी नहीं कि मैं कहीं से तोड़ के लाई हूँ, या फिर कहीं फ्री का मुझे मिला है जो मैंने उठा के दे दिया है बिल्डर को। तो मेरा पैसा लगा हुआ है, हालांकि घर खाली करना है। जब अभी तो आप देख सकते हो कि मैंने पूरा प्रॉपर वीडियोज़ में दिखाया है कि पूरी की पूरी छत गिर गई है। ये भी व्यूज़ के लिए नहीं है, बहुत सारे लोग जो है घटिया कमेंट करते हैं, तो ये उनकी सोच है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं एक यूट्यूबर नहीं होती, एक ब्लॉगर नहीं होती, तो शायद ऐसे सिचुएशन होने पे मैं कहीं और जाती, मैं कोई और एक्शन लेती। लेकिन जब आप एक सोशल प्लेटफॉर्म पे है ना, तो आपका माइंड में सबसे पहले यही आता है कि कैमरा उठाओ, इसको शूट करो, और इसको पब्लिक को दिखाओ कि क्या हो रहा है। अगर मेरी जगह पे आप भी होगे ना, तो आप भी यही करोगे जो मैंने किया है, ठीक है।
मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला है। अगर ज्यादा शौक लगा है कि यहाँ पे भूत नहीं है, सब ड्रामा है, सब व्यूज के लिए है, तो व्यूज कहाँ व्यूज आ रहे हैं? 600-700 व्यूज को आप लोग व्यूज कहते हैं? 600-700 व्यूज में क्या होता है? कुछ मिलता नहीं है मैडम। जब तक आपके एक दिन के वीडियोस में आपने वीडियो अपलोड करी और उसी दिन आपका 20,000, 25,000, 50,000 व्यूज नहीं आते ना, तब तक आपको यूट्यूब पे कुछ भी नहीं मिलने वाला। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं मिलता है मैम, ठीक है? मैम हो चाहे जो भी हो, तो किसी को गलत बोलने से पहले एक बार चीजों को ना सर्च कर लो, जान लो। तब अगर किसी पे ब्लेम करोगे ना, तो सामने वाला बंदा सुनेगा भी। अगर आप गलत तरीके से किसी को कमेंट करोगे ना, तो मैं हूँ चाहे कोई भी हो, सुनेगा तो कोई भी नहीं। देखो पहली बात तो आप लोगों को मैंने सारी चीजें क्लियर कर दिया है। बाकी मर्जी आपकी है, मुझे नहीं पता। अगर आप लोग आसपास कोई रहता है, तो मैं उसको प्रूफ भी दे सकती हूँ, आके वो पता कर सकता है यहाँ पे कि सच में प्रॉब्लम है कि नहीं है, और क्या कुछ इस बिल्डिंग की सच्चाई है। सबसे बड़ी गलती जो है बिल्डर की है, वो इंसान के जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, मजाक कर रहा है। जब मैंने उसको बोला मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो उसने बोला कि आप तो अपना देख रहे हो ना, हमारा तो लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। बताओ कोई कोई ऐसा बोलेगा? मतलब उसके लिए एक इंसान की जान की कीमत से ज्यादा उसको पैसा दिखाई दे रहा है। सोचो कि मतलब मैं जो है कितनी सारी चीजों को फेस कर रही हूँ, इस चीज को आके मेरी जगह पे आके देखो कि हाँ, एक इंसान के लिए कितना डिफिकल्ट होता है। जब आपका कहीं पैसा लगा होता है और आपके पैसे नहीं निकल रहे होते, तो मेरी जगह अगर आप भी होते ना, तो आपका भी यही हालत होती। क्योंकि मैं भी स्टार्टिंग में जब ये सारी चीजें हुई ना मेरे साथ, पहले तो बिजली का फ्रॉड हो रहा है, बिजली चोरी हो रही, अभी भी बिजली चोरी हो रही, टोटली बिजली चोरी हो रही है, ठीक है? फर्स्ट तो बिजली की चोरी की जो लड़ाई हुई वो हुई, सेकंड पूरी की पूरी छत गिर गई, ठीक है? बहुत बड़ी बात होती गाइस, पूरी की पूरी छत गिर जाना बहुत बड़ी बात होती। कोई जो है ऐसे कोई मजाक नहीं हुआ है, कोई आम घटना नहीं घटी है, बहुत बड़ी घटना थी, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। हम तीनों में से किसी की जान भी जा सकती थी, या हम तीनों एक साथ मर सकते थे, बहुत सारी चीजें हो सकती थी। लेकिन कहते हैं ना, अच्छे इंसान के साथ बुरा तो होता है, लोग करते हैं, बुरा करते हैं, लेकिन जब आप अच्छे हो ना, तो भगवान कहीं ना कहीं आपका साथ जरूर देता है, आपके साथ कभी बुरा नहीं होने देगा। वो जो परमात्मा बैठा है ना, जो भगवान बैठा है, वो आपके साथ कभी बुरा नहीं होने देगा। ये भगवान की खुद की इच्छा होती है। सजा देना ना देना आपको वही देखता है कि आपके अंदर कितनी इंसानियत है, कितनी अच्छाई है। और बुरा तो उनका होता है जिनके अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है। अब आप ये देख लो कि जो बिल्डर है, हमारे साथ बिजली की चोरी करा उसने, हमसे 4,000, 4,500 करके, नहीं पहले 4,000 रुपये लिया, फिर 4,000 रुपये लिया, टोटली 8,000 रुपये लिया, 4,000 रुपये करके हमसे बिजली की चोरी करी, ठीक है? हमसे फ्रॉड करके पैसे खाए, और उसका नतीजा देखो, उसको लाखों रुपए का हर्जाना भरना पड़ा। तो देखो गाइस, गलत करके बंदा कभी नहीं जा सकता है। वो गलत करेगा तो उसका गलत यही निकलेगा। और देखो, ज्यादा दिन की बात है नहीं, कुछ दिन में ही, मतलब 2 दिन में ही उसके सारे निकल गए। भगवान इंसान अच्छे इंसान के साथ होता है। आप ये मत सोचो कि जो बुरा करेगा ना, जैसे आप लोग भी हमारे मेरे लिए बुरा कहते हो, बुरा सोचते हो, और कुछ लोग लिखते हैं ना कि अच्छा हुआ। तो अगर हम अच्छे हैं ना, तो हमारे साथ अच्छा बुरा करने का हक ना भगवान को है, तुम्हारे जैसे इंसानों का नहीं है कि तुम लोग किसी इंसान को अच्छा बुरा कह के उसका बुरा करवा लोगे। नहीं करवा सकते हो, क्योंकि भगवान सब देखता है, भगवान यही है। तो बुरा तो इंसानों ने करा है, ये जो फ्रॉडगिरी करी है, ये जो बिल्डर नकली माल बिल्डिंगों में नकली चीजें लगाई है, खोखली टाइल्स लगाई है, टोटली खोखली टाइल्स है ये, तो ये बिल्डर की गलती है, हमारी गलती नहीं है। तो मैं भी जब मेरे साथ ये सारी चीजें हो रही थी ना, तो मैं भी भागी रही थी। इनफैक्ट मैंने रूम तक देख लिया है, फाइनल तक कर लिया था, लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे कि हमारा पैसा लगा हुआ है, हम क्यों भागे, हमारी गलती नहीं है, हम उस चीज का सोल्यूशन निकालेंगे, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे। तो गाइस, पहले तो हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे ना। अभी तो मैं भी भाग रही थी, पहले तो जब बिजली की चोरी हुई तब मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, मेरे भी बर्दाश्त से बाहर हो गया था कुछ चीजें तो। लेकिन गाइस, पहले तो
शांति से बैठो। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घट रही है, भगवान ना करे कि किसी के साथ भी ऐसा हो, मेरे साथ तो हो रहा है जो कि इंसान ही कर रहा है, कोई और तो नहीं कर रहा है ना, भगवान तो नहीं कर रहा ना, ये जो सारी घटनाएं घट रही है, ये बुरा जो हो रहा है ना हमारे साथ, तो एक इंसान कर रहा है, ठीक है, भगवान नहीं कर रहा। भगवान कभी भी किसी अच्छे इंसान का बुरा नहीं करता है, ठीक है। तो क्यों भागे उस सिचुएशन से, पहले तो लड़ेंगे, ठीक है, लड़ेंगे या मरेंगे जो भी होगा, पहले तो उस सिचुएशन से लड़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या कुछ हो सकता है। अगर नहीं रास्ता निकलेगा और प्रॉब्लम बढ़ेगी, तो फिलहाल रेंट पे तो रहेंगे रहेंगे, पैसा फंसा हुआ है, पैसे नहीं मिल रहे हैं, अब आप बताओ क्या करूं मैं, मर जाऊं, बताओ। एक इंसान अपने सपनों का घर कितने मुश्किल से बनाता है, बनवाता है, करता है, कितनी खून पसीने की कमाई से, अपनी मेहनत की कमाई से वो एक घर शिफ्ट करता है। बड़ी तसल्ली से मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे बहुत आराम से रहूंगी, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। अब बताओ, हमें थोड़ी ना पता था कि यहाँ पे जो है भूत परिंदों का डेरा है, यहाँ पे भूतिया कुआं है, या फिर कुछ भी ऐसा हमें तो नहीं पता था ना। अगर आप मेरी जगह होते, हमने बहुत पता किया था, हमें तो ऐसा कुछ भी किसी ने बताया भी नहीं, अगर बताता तो शायद हम यहाँ नहीं फंसते। इससे पहले जो हमने मकान देखा था ना, वो बहुत बढ़िया मकान था, थर्ड फ्लोर की वजह से मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया, क्योंकि उनको चाहिए था फर्स्ट फ्लोर। सिर्फ प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट हो गई कि फर्स्ट फ्लोर के चक्कर में सारी चीज़ें जो है हमारी खराब हो गई है। तो किसी को भी गलत बोलने से पहले एक बार तो जरूर सोच लिया करो यार, इंसान हो तो इंसान की तरह बात करो, किसी इंसान का बुरा मत कहो, किसी इंसान के साथ बुरा मत करो, बुरा कहो भी मत, क्योंकि भगवान के कानों में ना हर किसी की बात जाती है, भगवान सब कुछ देखता है। अगर आप मेरा बुरा करोगे, मेरा बुरा सोचोगे ना, तो जाहिर सी बात है आपके साथ भी बुरा होगा ही। तो मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, इसलिए भगवान ने मेरे को बचाया है। मैं भगवान माता रानी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतने बड़े हादसे से उन्होंने हमें बचा लिया है, मेरे बच्चे को बचाया, मुझे बचाया, मेरे हस्बैंड को बचाया, किसी को कुछ नहीं होने दिया, सिर्फ एक हादसा हुआ जो कि टल गया, बुरी बला थी, और ये कहीं ना कहीं निगेटिविटी का फुल प्रूफ है कि टोटली निगेटिविटी है। जब कल मेरे हस्बैंड के ऊपर आई ना, जब चढ़ के बैठी ना, तब पता चला कि बैठी की बैठा क्या था मुझे नहीं पता, भाग भाग कर आए 4 बजे, ऐसे भागते फिर गिरते पड़ते बेड पे, मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ, और मेरी तो रात के 3 बजे किसी ने टांगी खींच ली, पूरी की पूरी पैर खींच ली, कैसे बताऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग यकीन नहीं करते हैं, ये सच है, माता रानी की कसम, कैसे खाऊं मैं, कैसे क्या बताऊं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि लोग जो है विश्वास नहीं करते हैं। मेरे साथ रात को घटना घटी, ऐसा लगा कि किसी ने मेरी टांग पूरी बेड पे से नीचे खींच दी हो, जैसे कोई मेरी टांग को पकड़ा के खींचने की कोशिश किया, वैसे ही मैंने टांग ऐसे फेंक के एकदम चिल्लाई हूँ चीखी हूँ। ये मेरे मतलब मेरे साथ बीती हुई, आप बीती हुई स्टोरी है, कोई कहानी नहीं है कि जो मैंने कहीं से सुनी और आप लोगों को बता दिया यूट्यूब पे, व्यूज के लिए करती है, घटिया औरत है, तेरे साथ अच्छा होना चाहिए, तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए, क्यों होना चाहिए यार, क्यों किसी का बुरा सोचते हो, किसी के लिए बुरा क्यों कहते हो, मत कहो, भगवान सब देखता है। अगर तुम मेरा बुरा कहोगे भी ना, तो तुम्हारा बुरा हो जाएगा, क्योंकि जो दूसरों के लिए गड्ढा खनते हैं ना, भगवान उसके लिए खाई जरूर तैयार करते हैं। चलो खाते हैं खाना और धुलते हैं, उसके बाद खाना खाऊंगी। और ये ब्लू वाली लाइट फिलहाल के लिए ना मैंने यहीं पे लगा दिया है, काम करने के बाद ना मैं लाइट को बंद कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बिजली की चोरी हो रही है, और इसलिए हम बहुत ज़्यादा बिजली बचा रहे हैं। घर देखो एकदम खाली खाली सा आपको लगेगा, पूरा घर जो है ऐसा ही हो गया है। पंखा बंद करते हैं, और ये बेड को शाम को हमें इसकी जो है डायरेक्शन चेंज करके इस तरफ लेके आना है, क्योंकि एसी जो है यहाँ पे है, और बेड का मुंह सिराना जो है उस तरफ है, और बिल्कुल भी एसी नहीं, हवा नहीं लगती है, पता नहीं चलता, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। मेरा निशु रात भर बहुत परेशान था। पंखा भी हमने जो है इसी रूम में लगवा लिया है, ताकि पंखा भी हमारा लटक गया था, पूरा लटक गया था इसकी पंखा। कोई भी सब्जी हो, मेरे को गर्मियों में नींबू पानी पीने का बहुत ज़्यादा शौक है, क्योंकि मुझे नींबू पानी पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये एक नींबू 5 रुपये का मुझे मिला है, पहले तो मैं 10 रुपये का लेकर आई थी, और अब जो है मैं 5 रुपये का लेकर आई हूँ। तो कल बड़े मुश्किल से मैंने खाना बनाया था, पूरे दिन जो है कचरा उठाया, घर साफ करे, हस्बैंड ने पोछा मारा, मैंने पूरा मलबा उठा उठा के जो है भरे, बोरियों में भरे,
इसलिए रात को कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। बहुत मुश्किल से 2 रोटियां बनाई। और कल बिल्डिंग में बगल में बर्थडे था, तो जिसकी वजह से बहुत सारे छोले पूड़ी चावल आ गए थे, और मैंने बस सूखा सूखा चिकन बना दिया था क्योंकि कल हस्बैंड को चिकन खाना था। उनके कमर में भी बहुत दर्द हो रहा है वीकनेस की वजह से, और वो भी बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं। हर चीज जो है गाइज हम कैमरे में नहीं दिखा सकते हैं। हर चीज अपनी जो रियल फीलिंग है वो हम कैमरे में कैसे दिखा सकते हैं? हम कह ही तो सकते हैं कि हाँ हम इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। आप लोग सच्चाई देख रहे हो ना। कोई मैं अपने वीडियोस के लिए आज तक किसी और को शामिल नहीं किया है, और पहली बात तो कोई शामिल होगा नहीं, और दूसरी बात तो किसी को ये नहीं पता है कि मैं वीडियोस बनाती हूँ। यहाँ पे इस बिल्डिंग में तो किसी को भी नहीं पता कि मैं वीडियोस बनाती हूँ और मैं यूट्यूब पे डालती हूँ। मेरे से जितना हो पाया, जो कुछ भी हमारे साथ घटना घटी, वो सब मैंने कैप्चर करके आप लोगों के साथ शेयर किया है, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो। मैंने अपना हर सुख दुख आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो ये सारी चीजें भी शेयर करना बनता है। आप लोगों को पता तो चले हमारे साथ क्या फ्रॉडगिरी हो रही है, क्या 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 चीजें हो रही है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। चलो मैं लंच कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ।